जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रवि जोशी, लावण्या जोशी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हमारे जजवान जी का घर है जहाँ हम अनुष्ठान करने आए थे। ये उनका एक रूम और ये किचन है और ये है इनका दूसरा कमरा। देखिए, हमारे जजवान साहब अंदर बातें कर रहे हैं, अब सब लगे हुए हैं। और ये हमारे जितेंद्र जी, छोटे भाई साहब, और बुआ जी भी आ रखी हैं। ये बुआ जी हैं और आज आलू के पराठे स्पाइसी बनाए जा रहे हैं और उनका आज भोग लगेगा, उनको ग्रहण किया जाएगा और थोड़ी देर में आपको उदयपुर की जरा सैर कराई जाएगी। सुबह का नाश्ता हो रहा है, शुक्रवार का आज दिन है, पपनोई जी के द्वारा स्वादिष्ट हो रहे हैं, स्पाइसी हो रहे हैं आलू के क्या पराठे। शायद आप भी देखेंगे तो आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं पराठे। वारा बाखाई हम बैठ रही, पारो बाखाई हमारे जजमान साहब बैठ रही और यो बगल में हमारे एक यूले पतना कुछ है, यूले बैठ रही इनको शर्म लाग में। देखिए, उदयपुर हम गांव में है और यहाँ एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया है जो इतना प्यारा है, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे हम कॉम्बिनेशन देखते हैं और वैसे इसका कलर है। कितना सुंदर ये बछड़ा है, ये देखिए कितना सुंदर बच्चा है, ये बछड़ा है ना प्यारा सा। ऐसे 3-4 दिन हुए हैं आज हुए। ये इनकी मैया हैं, इनकी माता श्री हैं, मिसेस कमला देवी। ये गाय का नाम बेटा, ये बच्चे एक ये हमारे छोटे से हैं। कैसा बाबू बच्चा, कैसा हो रहा है पूरा? आपका क्या नाम है, नाम बता दो, क्या नाम है आप? अभी है इनका नाम अभी, और ये हमारी दी है। ये शर्म लग रही है इनको क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई है, इसीलिए शर्मा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं देघाट के टूर पे। ये उदयपुर का गांव है, कहा जाता है कि ये दूसरे नंबर पे आता है। यह इतना बड़ा गांव है, यहाँ मनराल लोग, जोशी मनराल लोग, पपनोई लोग। सामने जो ये आप गांव देख रहे हैं, ये टमाडोन का गांव है और ये नीचे जो हमने आपको पहले ही कल ही बताया था, ये शिवालय है और ये बच्चों का ग्राउंड है। ये बहुत विशाल ग्राउंड है, यहाँ टूर्नामेंट खेले जाते हैं, प्रतियोगिताएँ चलती हैं। देखिए, हम जजमान जी के साथ घूमते घूमते बोली कल्याणी ग्राम पंचायत उदयपुर में पहुंच गए हैं। यहाँ से ये रास्ता जाता है कल्याणी के लिए और ये रास्ता जो जा रहा है देघाट वाला, ये रास्ता है और सालदे के लिए जो जाता है वो रास्ता ये है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो सालदे पहुंच जाएंगे और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो देघाट पहुँच जाएंगे। बहुत ये देखिए जटाएँ, देखिए इन पेड़ की कैसी बिखरी हुई हैं, क्या दर्शन एटमोसफेयर यहाँ का तो पता ही है आप लोगों को कितना खतरनाक है। उदयपुर से आधा एक किलोमीटर आगे पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमें मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे चलते चलते। वैसे तो हमें बहुत टाइम हो गया आना क्योंकि घर से निकल गए थे आराम से बहुत जल्दी, हम बीच में मैच देख रहे थे। ये हमारे बुबू जी जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया उत्तराखंड में? हो गया होंगे कम से कम 90-100। 90-100? हाँ। अच्छा, आपकी उम्र क्या होगी बूबू जी अभी फिलहाल? 85। बूबू जी देखिए 85 साल के हैं और इनके अभी भी अकेले डंडे के सहारे और देखिए बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिना किसी सहारे से चल रहे हैं। और बूबू जी आपका शुभ नाम क्या ठहरा वैसे? मेरा शुभ नाम उत्तम राम। उत्तम राम हमारे बूबू जी का नाम है। और इस टाइम बूबू जी आपकी दौड़ कहाँ हो रही है, कहाँ की तरफ जा रहे हैं आप? कुछ सामान ले गए वलमरा से। वलमरा से बूबू जी कुछ सामान लेने आए थे, इसीलिए आए थे। बूबू जी आपसे बातें कर हमें बहुत अच्छा लगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। देखिए, ये अगर हम लेफ्ट की तरफ निकलेंगे तो सरायखेत पहुंच जाएंगे और ये जो रोड है रामनगर वाला है और ऊपर की तरफ देघाट है। ये रही वलबुरा की मार्केट। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is
suffering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always